वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस गाइस, पार्ट 65 में आ चुके हैं और कैट के बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन तो हम दो करेंगे बट इसमें मैंने एक ही छाप रखा है, एक हम जो है अभी कर लेते हैं, पहले उसे ही कर लेते हैं ना, वो इजी क्वेश्चन है, वो भी आया था तो पहले उसे कर लेते हैं फिर इसे करते हैं, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन देखिए, तो ये रहा वो इजी सा क्वेश्चन, इसको करना है आपको। बताइए जल्दी से आंसर कितना आएगा, मौखिक सोच के मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए, इतना टाइम लेना है, देखो कैसे करेंगे, इजीली हो जाएगा। इसमें एक्स की वैल्यू निकाल लिया, दो उधर ले जाऊँगा तो ये बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब जब 2 उधर ले जाऊँगा और ये है, तो आपको अगर एक रूल नहीं पता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ऐसे लिखा है लॉग ई ए बराबर बी, ठीक है, तो ए बराबर हो जाता है ए की पावर बी, लॉग हटाते हैं तब, ठीक है, एंटी लॉग कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसे। ए बराबर क्या होता है, ये जो होता है ना इसकी पावर पे बी पहुंच जाता है, तो सेम यही होगा। ये पूरा ए किसकी तरह काम कर रहा है, ये पूरा टर्म काम कर रहा है ए की तरह, और ये 2 क्या है ई की तरह काम कर रहा है, और ये 2 क्या है यहाँ पे बी की तरह काम कर रहा है, तो ये पूरे के बराबर में क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि ये 2 यहाँ से उठ के उधर पहुँच जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब 3 में उधर घटाऊँगा तो ये 3 उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। और log 3 जब, अब दिया यहाँ से देखिए इतना पार्ट रह गया ना केवल, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लग गया, तो ये क्या हो जाएगा ई, तो ई की पावर 1 यानी कि 3 की पावर 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 कितना रहेगा 3, और ये इधर से सारा हट जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ई की पावर बी हो रहा है ना कि बी की पावर ई, इसलिए 3 की पावर 1 होगा ना कि 1 की पावर 3, ठीक है। 4 उधर जाएगा तो -4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो यानी कि अब मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, वरना आप बोलोगे कि वहीं पर करा के मानोगे, बराबर -1, ठीक है, ज़रूरत तो अभी भी नहीं थी। तो यहाँ से जब 4 की पावर -1 हो जाएगा तो x-1 बराबर हो जाएगा 4 की पावर -1, तो 4 की पावर -1 का मतलब 1/4 और x-1, ठीक है, और 1 उधर जाएगा तो आपका ये 1/4 + 1 कितना हो जाएगा 5/4, तो यही x का आंसर है, ठीक है। तो ये तो हमने एक क्वेश्चन करा इजी वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करते हैं थोड़ा सा टफ वाला, टफ तो नहीं है बट ठीक है, जो भी है उसका लेवल थोड़ा सा सही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। कैसे करेंगे ये समझ में तो आया ना भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी पर टीप लीजिए, आप मेरी कॉपी क्वेश्चंस की एक अलग से कॉपी बना लीजिए 5 रुपये वाली, है ना। चलो शुरू करते हैं। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, हमारा उद्देश्य होता है हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और छोटे से छोटा करना है हमें ताकि हमारा सॉल्यूशन आ जाए। मैं अगर ये देखूँ ना 1 - x², तो मुझे यहाँ से दिख गया ये कि ये एक फार्मूला बनेगा, वो 1 - x कट जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसे मैं इसलिए भी बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ। तो देखो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको एक रूल और पता होना चाहिए, वो रूल मैं आपको साइड में लिख दे रहा हूँ। log m/n, log m/n तो इसे लिख सकते हैं log m - log n, ठीक है, और log m into n को लिख सकते हैं log m + log n, ठीक है। तो ये log m/log n है, तो ये कितना हो जाएगा log tan1 - log tan√1 - x², ठीक है, तो बस वही लिख रहा हूँ मैं। तो बराबर में इसको काट के मैं क्या लिख रहा हूँ, log tan1 - log√1 - x², ठीक है, और बेस tan ही रहेगा जो ये वाला बेस है, ठीक है। अब एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये भी आप अपने दिमाग में रखिए कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है, और ये बेस 10 होना चाहिए भाई, है ना, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ये बराबर में माइनस का हो गया, ठीक है। अब जब माइनस का ये हो गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ, और ये log 10, ये देखिए √1 - x² है, मैं अगर ये लिख लूँ तो a² - b² का फार्मूला में बन गया, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं रूट में 1 - x और 1 + x, और ये रूट में है पर ध्यान रखना, ठीक है। और जब मैं ये m into n को फिर से ओपन करूँगा जब मैं इसे,
तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टेन, माइनस अलग रहने दो, ठीक है, कितना हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स प्लस लॉग टेन रूट वन प्लस एक्स। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, लॉग एम इन टू एन वाला, ठीक है। तो जब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये वाला भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब इधर वाला पार्ट देखिए, इधर क्या चल रहा है, इधर लिखिए, इधर यही चल रहा है ना, इधर वाला इतना पूरा चल रहा है। तो माइनस का लॉग टेन रूट वन प्लस एक्स और ये माइनस का लॉग रूट टेन रूट वन प्लस एक्स, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसीलिए मैंने कराता और कुछ नहीं कराता, क्योंकि यहाँ से मेरे को दिख गया था, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये कैंसिल हो गया। अब ये फाइव बना रहने दीजिए, क्या करा, फाइव मैंने बना रहने दीजिए, उसका तो कुछ कर भी नहीं सकते। ये बचा है फोर लॉग टेन रूट वन माइनस एक्स और ये माइनस का फोर उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का फोर और माइनस का वन कितना हो जाएगा, माइनस का फाइव लॉग टेन रूट वन माइनस एक्स, ठीक है। ये चार जो प्लस के हैं इधर ले आया मैं बराबर की साइड में, तो माइनस का आ गया और माइनस का चार और माइनस का एक, माइनस का पाँच हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन से कुछ नहीं करा। अब आप बोल लेंगे पाँच से पाँच काट दो, लो काट दिया, ठीक है। तो ये कितनी बार कटेगा, वन बार। और अभी मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया, ये माइनस वन मैंने इधर से उठा के किधर ले आ रहा हूँ, इधर ले आ रहा हूँ। अभी मैंने पीछे वाले को उस सवाल में कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, लॉग ए बी बराबर अगर सी है तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाता है, ए की पावर सी, ठीक है। तो यहाँ से देखो लॉग ए बी बराबर सी है तो रूट वन माइनस एक्स कितना हो जाएगा, टेन की पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। टेन, अरे भाई ये है इधर बी की जगह पे, ठीक है, और ये क्या है ए की जगह पे, तो ए की पावर माइनस वन हो जाएगा ना, तो टेन की पावर माइनस वन, ठीक है। और जब ये टेन की पावर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो ये वन माइनस एक्स बराबर हो जाएगा वन अपॉन हंड्रेड, और जब मैं सॉल्व करूँगा इधर ला के तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करके बताइए, तो आप कहेंगे कुछ नहीं आएगा भैया, सॉल्यूशन आ चुका, एक्स बराबर वन माइनस वन अपॉन हंड्रेड बराबर नाइन्टी नाइन अपॉन हंड्रेड आ जाएगा। बट आपसे क्वेश्चन में वैल्यू इसकी पूछिए हंड्रेड एक्स की, तो हंड्रेड एक्स की मल्टीप्ली पूछिए तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हंड्रेड से हंड्रेड कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, नाइन्टी नाइन, और नाइन्टी नाइन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बताओ है ज़बरदस्त क्वेश्चन की नहीं, सच बता रहा हूँ, पहली बार में ही मैंने पकड़ लिया था ये, और कोई इतना टफ भी नहीं है ना। तो देखिए कुछ नहीं कराया, बस इधर ये वाला पार्ट को सॉल्व करते रहे हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन आ गया है। और एक क्वेश्चन ये कराया था मैंने, और एक आपको ये कराया था, और एक पिछला पार्ट और कराया था मैंने इसका 64, वो वाला भी जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का, मज़ा आ जाएगा आपको। बाकी के पार्ट भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहीं से देख लीजिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट कराए हैं एकदम गजब वाले। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और नहीं आई तो भी लाइक करिए, मुझे बताइए कैसा लगा, क्यों नहीं पसंद आई है ना। बाय।